पाकिस्तान के लाहौर से इस वक्त की मिल रही है, जहां पर पंजाब यूनिवर्सिटी परिसर में हिंदू छात्रों को होली खेलने से रोक दिया गया, उनके साथ मारपीट भी की गई। इस्लामिक छात्र संगठन पर इस पूरे हमले का आरोप लगा है। इस हमले में 15 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि वहां लॉ कॉलेज परिसर में जब होली खेलने के लिए छात्र इकट्ठा हुए तो इस्लामी जमीयत तुलबा के छात्रों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। इस दौरान हिंदू छात्रों को जमकर पीटा गया, उन्हें सुरक्षा गार्डों के हाथों गेट के बाहर भी फेंकवा दिया गया। और इन सब के बीच तुर्की के बुर्सा में एक फुटबॉल मैच के दौरान हंगामा हो गया, जहां पर खेले जा रहे एक मैच के दौरान कुछ प्रदर्शनकारी मैदान पर कूद पड़े और भागते हुए आंसू गैस के गोले फेंकने लगे, जिससे सब घबरा गए। आरोप है कि कुर्द पार्टी से जुड़े कुछ लोगों ने इस मैच के दौरान प्लानिंग के तहत हमला किया, जिससे कि वहां अफरा तफरी मच गई। हालांकि वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने बमबाजी करने वाले शख्स को दबोच लिया, लेकिन इस दौरान दर्शकों के बीच बैठे कुछ प्रदर्शनकारियों ने भी मैदान पर प्लास्टिक की बोतलें फेंकना शुरू कर दिया, जिससे खिलाड़ियों को बचाने के लिए पुलिस वालों ने शील्ड का सहारा लिया। हालांकि किसी तरह वहां से सारे खिलाड़ियों को निकाल लिया गया और फिर पुलिस ने हंगामा और बमबाजी के आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। इधर भारत की ब्रह्मोस मिसाइल के परीक्षण से पाकिस्तान में कई लोग शहबाज शरीफ सरकार पर भड़क गए। एक दिन पहले ही भारतीय नौसेना ने अरब सागर में जंगी जहाज से ब्रह्मोस मिसाइल दागकर इसका सफल परीक्षण किया, जिसने अपने टारगेट पर सटीक निशाना साधा। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्ट कर पाकिस्तान की नींद उड़ा दी, क्योंकि अरब सागर भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के किनारों से मिलता है। ऐसे में पाकिस्तान इस परीक्षण से और घबरा गया, जिसके बाद वहां के लोगों ने अपनी ही सरकार को कोसना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर तो शहबाज शरीफ सरकार पर हमलों की झड़ी लग गई। कई लोगों ने यह आरोप लगाया कि उनकी सरकार इमरान खान के पीछे हाथ धोकर पड़ी है, जबकि सेना पर उसका कोई ध्यान नहीं है, इसीलिए पाकिस्तान की सेना की ताकत घटती जा रही है। इस गुस्से की बड़ी वजह यह भी है कि वहां की सरकार ने कंगाली की वजह से अपनी सेना का बजट कम कर दिया है। महाराष्ट्र के पुणे से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक घर के बाहर एक साथ 3 तेंदुओं की मौजूदगी से हड़कंप मच गया। तीनों एक घर के भीतर घुसने की कोशिश करते दिखे, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक घर के बाहर की सड़क पर एक एक कर 3 तेंदुए नजर आए। उनमें 2 तेंदुए थोड़ा पीछे खड़े रहे, जबकि एक तेंदुआ बिल्कुल घर के दरवाजे के करीब पहुंच गया और धीरे धीरे घर में दाखिल होने लगा। इसके बाद वो तेंदुआ वीडियो में नजर नहीं आया, यानी वो घर के भीतर जा चुका था। फिर दूसरा तेंदुआ भी दरवाजे की ओर बढ़ने लगा, लेकिन बस 10 सेकंड के बाद हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। जब भीतर लोगों ने शोर मचाया तो घर में घुसा तेंदुआ बड़ी तेजी से उल्टे पांव भागता दिखा। अमेरिका के मैसाचुसेट्स से हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां पर कैम्ब्रिज के एक मेट्रो स्टेशन में अचानक छत का एक बड़ा हिस्सा गिर गया, और वो भी एक यात्री से बस चंद इंच दूर। स्टेशन पर लगे कैमरे में रिकॉर्ड हुए वीडियो में एक महिला अपने दोनों हाथ में सामान लिए सीढ़ियों की तरफ जाती नजर आई। उसके आगे कुछ लोग और भी थे, लेकिन इसके पहले कि वो महिला सीढ़ियों तक पहुंच पाती, स्टेशन की छत का एक हिस्सा सीधे आकर उसके सामने गिर पड़ा, जिससे वो सहम गई। जैसे ही वो हिस्सा गिरा, बाद धूल ही धूल नजर आई। बताया गया कि छत का हिस्सा काफी पुराना था, जो कमजोर हो जाने की वजह से अचानक गिर पड़ा। हालांकि गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं पहुंची।